नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चौधरी कृषि फार्म। तो गाइस, आज मैं खेत पे आया हूँ। आसपास के आप खेत देख रहे हो, नजर आ रहे होंगे आपको। ये सभी खेत है ना गाइस, अभी है ना सभी खाली है। इसके अंदर चने बोए थे पिछली बार, तो अब इसके अंदर कौन सी फसल बोई जाएगी। एक तो मूंग की फसल और ज्वार की फसल इसके अंदर बोई जाएगी। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट हर बार रहता मेरा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इतनी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में यार गाइस, हद से ज़्यादा। तो आइए इसके बारे में मैं आपको नॉलेज देता हूँ कि सभी तो फाइनली बारिश भी नहीं आई है और अभी गाइस मूंग की फसल बोई जाएगी, मूंग ज्वार इन खेतों में। और गाइस बारिश आएगी, अगर ज़्यादा बारिश आ गई ना तो जब तक खेत भर नहीं आएगा ना तब तक इनके अंदर ट्रैक्टर नहीं जा सकता गाइस, क्योंकि ट्रैक्टर बैठ जाता है उसके पेड़े अंदर चले जाते हैं तो कल्टी नहीं निकल पाती है। खेत ये सूख जाएगा उसको बोलते हैं गाइस भा। जब खेत भा आएगा तब इसके अंदर कल्टी निकलेगी। दो बार इसके अंदर कल्टी निकाली जाएगी और एक बार कूली और तीसरी बारी में मूंग की फसल हो चाहे ज्वार की फसल हो इसके अंदर बोई जाएगी। चार आंगल गाइस ऊंडा बोते है इसको, चार आंगल इसको बोई जाती है फसल को। ऐसे मंगरे के खेत रह गए तो मूंग के खेतों में खाद नहीं डाला जा सकता गाइस। खाद उन खेतों में डाला जा सकता है जिसमें कपास की फसल बोई जाती है, गेहूं की फसल बोई जाती है, जैसे रचका बाजरी नेपियर घास वो हुए तो उनमें देसी खाद डाला जाता है गाइस। इसके अंदर DAP खाद डाला जाता है मूंग की फसल बोते हैं तब। और गाइस एक बीघे में कितनी ज्वार चाहती है बोई जाने पर मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब हम ज्वार की फसल बोई जाती है तो उसमें कितने बीज उड़ा जाता है एक बीघे में गाइस। अगर हम सिंगल ज्वार उड़ते ना तो 15 किलो हमको बीज लेना पड़ता है और 10 किलो खाद लेना पड़ता है। अगर हम डबल उड़ते ना तो गाइस 30 किलो ज्वार चाहिए और 15 किलो खाद चाहिए गाइस। और मूंग की फसल में ना गाइस 2 किलो बीज चाहता है गाइस, 10 या 7 किलो खाद चाहिए। और ये मैंने आपको नॉलेज दे दी है, टोटल भाई जानकारी आपको दे दी है मूंग की फसल कैसे बोए जाते हैं, ज्वार की कैसे बोए जाते हैं। तो अभी तो गाइस फाइनली कुछ बोया नहीं गया है क्योंकि अभी बारिश भी नहीं आई। आज से करीबन 2 महीने बाद में गाइस बारिश आ जाएगी, फिर खेत वेत भा आएंगे, फिर कल्टी निकालेंगे कूली निकालेंगे और फिर बीज को बोए जाएंगे। तब के वीडियो में आपको बताऊंगा गाइस, अभी तो खाली आपको उदाहरण दे रहा था। तो गाइस मैंने आपको जानकारी दे दी है और वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। हेलो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। और हम दिखाने जा रहे हैं सारा एरिया का नजारा दिखाएंगे आप लोगों को और हमारे एंड तक।